हेलो बच्चों, मैं दीप्ति शर्मा आज आपको कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगी। कक्षा कला और वाणिज्य दोनों में एक ही अब अर्थशास्त्र लगेगा बेटा, है ना? तो अपन समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र आप एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अब अर्थशास्त्र की दो बुक हो गई है बेटा, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो अपन ने समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थ, विशेषताएं, है ना, और उनका महत्व, सीमाएं, ये सब पढ़ा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे बेटा व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच एक निश्चित रेखा में क्या होता है, अंतर अत्यंत कठिन है, है ना? इन्हें में पाए जाने वाले अंतर भी हैं। तो अगर कोई व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के पूरक हैं तो उनमें अंतर भी होगा, है ना? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है बेटा, छोटी छोटी इकाइयों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसमें जैसे कि एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग आदि का, है ना? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी छोटी वैयक्तिक इकाइयों का क्या करता है, अध्ययन करता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योग अर्थात राष्ट्रीय आय का योग का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में, जैसे कि कुल राष्ट्रीय आय, रोजगार, कुल विनिमय, कुल उपभोग आदि का अर्थ आदि का अध्ययन काय में करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्र, मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समग्र, मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो होती है उसके एक अंश का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और व्यापक अर्थशास्त्र में समग्र में इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक अंश, एक परिवार, है ना, इसका अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या होता है विश्लेषण करने के लिए, कीमत सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें मुख्य विषय होता है राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य विषय है कीमत सिद्धांत का। चौथा है समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के योगों को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को आधार माना जाता है। तब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उनको छोटे छोटे रूपों में उनका अध्ययन किया जाता है, उनको छोटे छोटे पैमाने पर इनका अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग क्रिया है, मतलब इसको एक उसमें अपन योगों के आधार पर इसकी क्रिया, मतलब क्रिया है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण हेतु अन्य बातें सामान्य रहें, जो कीमत निर्धारण है उनमें अन्य बातें सामान्य रहें। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य रूप से सामान्य संतुलन के आधार पर, मतलब जो संतुलन होता है वो कैसा होता है, सामान्य संतुलन के आधार पर कुल मूल एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों के निर्धारणों का क्या किया जाता है, अध्ययन करता है। और विभिन्न बाजारों की परस्पर निर्भरता पर बल देता है समष्टि अर्थशास्त्र में। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अन्य बातें सामान्य रहे की मान्यता को लेकर चलता है। और समष्टि अर्थशास्त्र बाजार के परस्पर निर्भरता को बल देता है, मूल्य, कुल मूल्य एवं उत्पादन के विभिन्न स्तरों का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसमें समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण की व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों के बीच में क्या करता है, परिवर्तनशील करता है। इसमें रोजगार के, उत्पादन तथा आय के वितरण वितरण की स्थिति को
जिसमें रोजगार उत्पादन तथा आय के वितरण की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तनशील माना जाता है। जिसमें उत्पादन तथा आय में और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्या है, ये परिवर्तन माना जाता है। इसमें रोजगार, समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार उत्पादन तथा आय के वितरण को कैसा रखते हैं, स्थिर मानते हैं। इसमें सामान्य कीमतों को स्थिर मानते हुए वस्तु के सापेक्षिक मूल्य में परिवर्तन माना जाता है। मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसमें सामान्य कीमतों को क्या करते हैं, स्थिर मानते हुए वस्तु के सापेक्षिक मूल्य को परिवर्तनशील माना जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में सापेक्ष मूल्य को स्थिर मानते हुए सामान्य मूल्य स्तर को भी परिवर्तनीय माना जाता है। फिर उसके बाद है बेटा उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है ये मैंने पहले बताया था, अब उसकी है बेटा ये मान्यताएं। तो उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या है, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है बेटा। तो इसमें यह भी मान लिया जाता है कि उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई है, अर्थात इन्हें कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये उत्पादन संभावना वक्र की क्या है, मान्यता है। अर्थव्यवस्था के सभी संपूर्ण पूर्ण प्रयोग हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, ये उत्पादन संभावना की मान्यता है कि जो रोजगार है उसमें पूर्ण स्थिति में, अर्थव्यवस्था में मतलब पूर्ण रोजगार की स्थिति है। फिर इसमें यह भी मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा स्थिर है, किंतु सीमांत मात्रा उनके प्रयोग को दूसरे प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। चौथा है उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है, एक निश्चित अवधारणा है जो एक निश्चित समय एवं स्थिति में लागू होती है। उत्पादन संभावना वक्र जो होता है कैसा होता है, एक निश्चित समय, मतलब उसके लिए एक समय निर्धारित होता है और ये एक निश्चित समय पर ही क्या होता है, लागू होता है। अर्थव्यवस्था में किसी भी कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो उत्पादन संभावना वक्र होता है उसमें अर्थव्यवस्था में किसी भी कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्पादन संभावना वक्र में उसी के अनुरूप परिवर्तन हो जाएगा। अतः उत्पादन संभावना वक्र एक महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण यंत्र है। तब जो अर्थशास्त्र में आर्थिक उत्पादन संभावना वक्र है उसमें इसमें इसका मुख्य यंत्र क्या है, इसका मुख्य यंत्र है आर्थिक विश्लेषण है। यह एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं तथा अर्थशास्त्र के अनेक आधारभूत विचारों को भी क्या करता है, स्पष्ट करने में सहायक होता है। जो उत्पादन संभावना वक्र होते हैं बेटा वो आर्थिक विश्लेषण का मुख्य यंत्र होता है, और यह एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को भी के आधार को विचार को स्पष्ट करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो आपने उत्पादन संभावना की चार मान्यताएं पढ़ी है ना, तो पहले उत्पादन तकनीकी के लिए है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह पूर्ण रूप से क्या होती है, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है ना, इसके प्रयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों को स्थिर मानकर, जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उनको स्थिर मानकर इसमें इसके प्रयोग को दूसरे प्रयोगों में हस्तांतरित कर सकते हैं। उत्पादन संभावना वक्र एक निश्चित अवधारणा ये भी है कि यह एक निश्चित समय के लिए क्या होती है, स्थिति में ही लागू होती है, और ये इसका मुख्य यंत्र क्या होता है, आर्थिक विश्लेषण होता है, और ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं है ना, अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं उनको उनके आधार पर विचारों को स्पष्ट करने में भी सहायक होते हैं। फिर है अंतिम वस्तु एवं मध्यवर्ती वस्तु में भेद। तो अंतिम वस्तु क्या होती है और मध्यवर्ती वस्तु मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती हैं। जो अंतिम वस्तु होती हैं वो कैसी होती हैं, उत्पादन की सीमा रेखा से कैसी होती हैं, बाहर होती हैं, और इसका प्रयोग कर तो आपको पहले मैंने
अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु के बारे में बताया था, परिभाषा भी बताई थी ना। तो अंतिम वस्तुएं कैसी होती हैं, वो सीमा रेखा के बाहर होती हैं और अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार होती हैं। तो आज अपन इसका अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तु में क्या पढ़ेंगे बेटा, भेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वस्तुएं सीमा रेखा, अंतिम वस्तु जो होती हैं वो सीमा रेखा के बाहर होती हैं और अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा क्या की जाती हैं, प्रयोग के लिए तैयार की जाती हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं की सीमा रेखा के कैसे होती हैं, अंदर होती हैं और इनका अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब जो अंतिम प्रयोगकर्ता होता है उसके द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती जो मध्यवर्ती वस्तु होती हैं। अंतिम वस्तुओं को पुनः विक्री नहीं की जा सकती, तो अंतिम वस्तु होती है उसकी पुनः विक्री नहीं की जा सकती और मध्यवर्ती वस्तुओं को पुनः विक्री के लिए मतलब विक्री की जा सकती है और उस अंतिम वस्तुओं में का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन जैसे कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। काय का अंतिम वस्तुओं का उपयोग काय के लिए किया जा सकता है, वस्तु जो पुनः वस्तु होती हैं उनके उत्पादन के कच्चे माल हेतु प्रयोग किया जा सकता है और मध्यवर्ती वस्तुओं को इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। तो जो मध्यवर्ती वस्तु हैं इनका उपयोग भी प्रयोग भी वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। अंतिम वस्तुओं के लिए मूल्य वृद्धि नहीं होती, जो अंतिम वस्तुएँ होती हैं उनमें कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती, उनका मूल्य एक ही होता है और मध्यवर्ती वस्तुओं में भी मूल्य वृद्धि होती है। जो मध्यवर्ती वस्तु होती हैं उनमें वस्तुओं के मूल्य पर वृद्धि या होती रहती है। फिर है अंतिम वस्तुओं में इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित किया जाता है, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं उनको राष्ट्रीय आय के अनुमान में क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता, ये वस्तुएं होती हैं इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो ये आपने पढ़ा बेटा, ये अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु के भेद हैं, इनको आप अंतर समझना मतलब समझें। राष्ट्रीय आय में ये इनकी क्या होती है, दोहरी गिनती और समस्याओं से आपको क्या करता है, बचाता है। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो राष्ट्रीय आय के आकलन में, जो राष्ट्रीय आय होती है ना उसका जो आकलन किया जाता है उसकी दोहरी गिनती की समस्या से अपन को क्या करता है, बचाता है। क्या क्या, अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु। तो इनके आप 5 भेद हैं, आप इनको याद करोगे, कॉपी में लिखोगे ना, आपके लिए गृह कार्य भी है बेटा। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में क्या अंतर है, तो आप अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में अंतर मैंने अभी बताया आपको, आप इसको कॉपी में लिखोगे और क्या करोगे, याद करोगे। ऐसे ही समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यापक अंतर है ना, आपको मैंने बताया भी, तो आप इसका भी अंतर क्या करोगे, कॉपी में लिखोगे और उसको याद करोगे। धन्यवाद।